जय माता की। दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका स्वागत करता हूं कलयुग धार्मिक आस्था चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कांवड़ यात्रा के बारे में। कांवड़ उठाने की विधि और नियमों और कुछ विशेष बातों की जानकारी बताने वाला हूं। अगर आप भी शिव भक्त हैं और कांवड़ यात्रा करते हैं या फिर पहली बार कांवड़ यात्रा करने की सोच रहे हैं, जिज्ञासावश या सच में शिव भक्ति के कारण कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनकर अपनी कांवड़ यात्रा करें। तब आपकी कांवड़ यात्रा में श्रद्धा और जिज्ञासा अधिक बढ़ेगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा के नियम सख्त होते हैं जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी है, अन्यथा यात्रा मान्य नहीं होती है। यात्रा के दौरान कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अतः इनके लिए कांवड़ियों को तैयार होना चाहिए। आज आपको इस वीडियो में कांवड़ यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो में जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। साथ ही जो लोग कांवड़ उठा चुके हैं वे लोग बोल बम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। आप लोग कहां से जल भरते हैं और किस शिव मंदिर पर कांवड़ चढ़ाते हैं, अपना अनुभव हमें बताएं। चलिए बिना किसी देरी के बात को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू धर्म के पवित्र महीने सावन की जो महत्वता है उसको शब्दों में भी बता पाना संभव नहीं है। यह भगवान महादेव का प्रिय महीना है। सावन महीना आते ही सबसे पहले याद आता है शिवालय में बेलपत्र और जल चढ़ाना। भगवान शिव सनातन धर्म के एक प्रमुख देवता है जो देवादि देव महादेव कहलाते हैं। सभी देवी देवताओं की अपेक्षा महादेव शिव जल्द ही प्रसन्न होने वाले देव है। इनको प्रसन्न करने की विधि है जल अर्पित करना। इनकी आराधना करने वाला भाग्यशाली माना जाता है। इसी कारण सावन आते ही सभी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने शिव मंदिर यानी शिवालय पहुँचते हैं। इसी दौरान भक्त करते हैं कांवड़ यात्रा। भगवान शिव की आराधना में कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र गंगाजल कांवड़ में भरकर पैदल यात्रा करके लाते हैं और भगवान भोलेनाथ के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। ये जरूरी नहीं है भक्त गंगा नदी के ही जल से अभिषेक करे। गंगा नदी का जल न मिलने पर अन्य पवित्र नदियां नर्मदा, क्षिप्रा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों का जल भी कांवड़ से धोकर अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध शिव मंदिरों या ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं, पर बहती हुई नदी का ही जल मान्य माना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिस दौरान भगवान शिव ने हलाहल विष पान किया जिससे उनका पूरा शरीर तपने लगा। तभी सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। ऐसी मान्यता के चलते इस महीने में वर्षा अधिक होती है। माना जाता है भागीरथ जब गंगा को लेकर हरिद्वार से गंगा सागर की ओर जा रहे थे, तभी माता गंगा सावन मास में काशी पहुंची थी। तब उन्होंने वहां कुछ समय रुक काशी में स्थापित सभी शिवलिंगों को अपने जल से ढक दिया था। तभी से शिवलिंग पर गंगाजल और जलाभिषेक अर्पित करने की मान्यता प्रचलित है। इसलिए ही कुछ भक्त माँ गंगा की उसी परंपरा का पालन करने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ उठाने की परंपरा युगों से चली आ रही है। सबसे पहले कांवड़ किसने उठाई थी, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कांवड़ यात्रा के महत्व के पीछे कई लोक मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं, जो कांवड़ की महिमा और शिव भक्ति का गुणगान करती है। आइए जानते हैं कब की जाती है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा विशेष रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ही की जाती है। सावन माह में ही अधिक कांवड़ यात्रा का प्रचलन है। इसके अलावा महाशिवरात्रि, देव छठ, वही कुछ भक्त पूरे साल भर की त्रयोदशी यानी शिव तेरस पर कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ उठाने के लिए भक्तों की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर कांवड़ यात्रा करते हैं। भक्त मन्नत मानते हैं कि हमारा ऐसा काम बन जाएगा तो हम सावन में कांवड़ यात्रा करेंगे, तो कुछ केवल शिव भक्त होने के कारण कांवड़ यात्रा करते हैं। आइए अब जानते हैं कैसी होती है कांवड़ और कितने तरह की होती है कांवड़। कांवड़ यानी कंधा, जो कंधे पर ले जाया जाए। संस्कृत शब्द में कांवड़ को कांवार्थी कहते हैं, जिसका अर्थ है कंधे पर कांवड़ रखे हुए। बांस की लकड़ी पर दोनों तरफ टोकरी बंधी होती है। उन टोकरी में ही भक्त गंगा जल रख अपने कंधे पर कांवड़ उठाते हुए यात्रा करते हैं। साथ ही कांवड़ को विभिन्न प्रकार से सजाया जाता है। इसी पारंपरिक रूप से कांवड़ का निर्माण होता है। कांवड़ ले जाने वाले तीर्थयात्री, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, जो अपने कंधों पर कांवड़ में ढके हुए जल घड़े लटकाए रखते हैं। कांवड़ यात्रा करने का तरीका कई प्रकार का होता है, जिनको खड़ी कांवड़, सामान्य कांवड़, दांडी कांवड़, डाक कांवड़ आदि नामों से जाना जाता है, पर जो पारंपरिक कांवड़ है उसे खड़ी कांवड़ के नाम से जाना जाता है, जिसे कहीं कहीं पर खलेसरी कांवड़ भी बोलते हैं। इन सभी के बारे में दूसरी वीडियो में जानकारी दी हुई है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कांवड़ की महिमा कहे तो ऐसी मान्यता है जब कांवड़ यात्रा हो रही होती है और यदि कोई कांवड़ियों के साथ जयकारा या उस यात्रा को प्रणाम करता है
उसी क्षण उसे शिव पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही कांवड़ियों के लिए जलपान या भोजन आदि की व्यवस्था करवाने वाला भी शिव कृपा का पात्र बनता है। इसलिए ही कई श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़ियों के लिए भोजन फल जलपान आदि की व्यवस्था और वितरण करवाते हैं। इस कार्य को इस यात्रा के दौरान बहुत पुण्य का काम माना जाता है। साथ ही कांवड़ियों के प्रति सभी लोगों को श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, जिससे उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे। उनका अपमान करना स्वयं शिव भक्ति का अपमान करने के बराबर माना जाता है। पर कांवड़ यात्रा करना दिखने जितना सरल और आसान भी नहीं होता है। उसके लिए भक्तों को कई नियमों का पालन श्रद्धा पूर्वक और नियमबद्ध होकर ही यात्रा संपन्न करते हैं, तथा नंगे पैर यात्रा करने से लेकर पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। केवल उनकी ही कांवड़ यात्रा सफल मानी जाती है। नियमों का उल्लंघन होने पर कांवड़ यात्रा खंडित मानी जाती है और यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, क्योंकि भगवान के दरबार तक हजारों लोग पहुंच जाते हैं, पर दुआ उनकी ही कबूल होती है जो श्रद्धा से जाते हैं। आइए जानते हैं कांवड़ उठाने की विधि और नियम और कुछ विशेष बातें जिनका हमें कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो लोग भी कांवड़ यात्रा करते हैं उनके अंदर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा तो होती ही है, साथ ही हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें कांवड़ का पूरा फल प्राप्त हो। कांवड़ को लोग कई दिन पहले से भी उठा सकते हैं। कांवड़ यात्रा अधिकतर समूह में ही होती है। कांवड़ यात्रा करने के लिए सबसे पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप जरूरी नहीं कांवड़ के द्वारा ही भगवान शिव को प्रसन्न करें। आप शिवालय में पूजन करके ही भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग कांवड़ उठाते हैं या जो पहली बार कांवड़ उठाने जा रहे हैं, वो इन विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें। तभी आपकी कांवड़ यात्रा पूरी होगी और आपको उस यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा। यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अतः अपनी क्षमता अनुसार यात्रा में शामिल हो और अपने खान पान का ध्यान रखें। और ये भी जरूरी नहीं है आप कांवड़ उठा के ही चले, आप कांवड़ियों के सहयोगी बनकर भी यात्रा का हिस्सा बनकर पुण्य कमा सकते हैं। दूसरा है, कांवड़ियों को एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और एक लाइन बनाकर अपने जत्थे समूह के साथ रहना चाहिए। और अगर आप पहली बार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो पहली बार में लंबी दूरी वाली यात्रा में शामिल न हो, क्योंकि इस यात्रा में लंबी या कम दूरी का महत्व नहीं है। इस यात्रा में आस्था और शिव भक्ति का महत्व है। आप अपने नजदीकी किसी प्राचीन शिव मंदिर पर भी कांवड़ चढ़ा सकते हैं। सावन के महीने में शिवालयों में जल अर्पित करना अनिवार्य है। अगर आपके नगर में ही कोई प्राचीन शिवालय है तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कांवड़ यात्रा के दौरान तामसिक भोजन करने की मनाही है। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब और अन्य नशे का इस्तेमाल वर्जित है। जो लोग सावन मास इन सभी वस्तुओं का त्याग नहीं करते वे कभी शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कांवड़ यात्रा में ही नशा आदि करते हैं तो ये पाप है। ऐसी गलती करने पर आपको भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप मिलेगा। कुछ लोग शिव का प्रसाद बोलकर नशा करते हैं। इसका असल मतलब नशा करना नहीं होता है, बल्कि शिव भक्ति के नशे में रहना इसका अर्थ है। और फिर ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी प्रकार की बुराई, गाली गलौज और पवित्र बातों का कांवड़ यात्रा दौरान त्याग करें। और फिर घर से ही स्नान करने के बाद ही गंगा नदी तक पहुंचे। बहुत से लोग बिना नहाए ही गंगा नदी तक चले जाते हैं, तो ये गलत है। गंगा में या किसी भी पवित्र स्थान पर बिना स्नान करके नहीं जाना चाहिए, वरना जीवन में जितना पुण्य अर्जित होता है वो नष्ट हो जाता है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने से पहले अपने घर के कुल देवी देवताओं और ग्राम देवताओं का आशीर्वाद लेकर तथा अपने माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना न भूले। कांवड़ यात्रा में नया वस्त्र पहना जाता है, इस बात का भी ध्यान रखे। फिर अपनी कांवड़ तैयार करे। कांवड़ पारंपरिक रूप से बांस की लकड़ी की ही शुभ मानी जाती है। पहले से बनी या पुरानी रखी हुई कांवड़ भी उठा सकते हैं, पर वो कहीं से टूटी हुई या खंडित न होनी चाहिए। बांस की लकड़ी अपवित्र नहीं होती, इसलिए ही कांवड़ बांस की लकड़ी से बनाई जाती है। पर एक चीज जो अब बदल चुकी है, पहले के लोग कांवड़ यात्रा में पीतल की गंगाजली ही कांवड़ में रखते थे, जो कुछ इस तरह की होती थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें गंगा जल दूषित नहीं माना जाता था। पर अब लोग स्टील और प्लास्टिक से बनी मटकियों का उपयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक में जल दूषित माना जाता है, उसका हम बार बार उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी होता है। जबकि पीतल की गंगाजली का उपयोग हम हर बार और अपने पूजा घर में भी जल भर कर रख सकते हैं। इसलिए हो सके तो पीतल की गंगाजली का उपयोग करें। उसके बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकला जाता है। जो भी समूह आपके साथ हो उसके साथ गंगा नदी की ओर निकले। वैसे तो भगवान शिव के भारत, नेपाल यानी जो भी देश पहले भारत का हिस्सा थे, वहां कई सिद्धलिंग और प्राचीन शिव मंदिर स्थापित है। और सावन आने पर प्रत्येक शिव मंदिर यानी शिवालय में शिव जी की पूजा अर्चना और जलाभिषेक शुरू हो जाता है। पर अधिकतर लोग ज्योतिर्लिंग या किसी अपने क्षेत्र अनुसार प्राचीन शिव मंदिर पर ही कांवड़ चढ़ाते हैं।
गंगा नदी उत्तर भारत में होने के कारण कांवड़ चढ़ाने की मान्यता उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। इसलिए आप अपनी मान्यता अनुसार देख ले कि आपको कहां से जल भरना और कितना समय आपको मंदिर जाने तक लगेगा। उस हिसाब से एक दिन पहले से ही अपनी कांवड़ यात्रा को प्रारंभ करें। बहुत से लोग घर से ही पैदल गंगा नदी तक जाते हैं और फिर जल भरकर मंदिर तक पैदल ही जल चढ़ाते हैं। पर गंगा नदी तक जाने के लिए पैदल यात्रा करना कोई जरूरी नहीं है। पहले के समय में अधिक वाहन के साधन न होने पर लोग पैदल ही जाते थे, पर आप चाहे तो किसी वाहन का प्रयोग भी कर सकते हैं। पर गंगा नदी से जल भरने के बाद आप पैदल ही यात्रा करें। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं और फिर गंगा नदी तक पहुंचकर गंगा स्नान करें और फिर अपनी गंगाजली में जल भरकर कांवड़ को तैयार कर ले। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार कांवड़ में पुण्य दान की वस्तुएं लगवाते हैं, जो कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद बांट दी जाती है, जिसमें रुमाल, श्रृंगार सामग्री आदि वस्तुएं शामिल होती है। कांवड़ में लगे दोनों तरफ घड़े यानी कलश शिव पार्वती के लिए होते हैं, जिसमें एक जल शिव जी पर तथा दूसरा जल माँ पार्वती पर अर्पित करना होता है। साथ ही एक बोतल में अलग से गंगा जल अपने साथी को पकड़ा दे, जिससे अशुद्धि की अवस्था में पुनः गंगा जल अपने शरीर पर डाल सकते हैं। उसके बाद कांवड़ का पूजन करें। गंगा तट पर ही माँ गंगा का पूजन करें और फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत, बेलपत्र और दुर्वा, धूप, दीप, प्रसाद आदि अर्पित कर अपने कांवड़ का पूजन करें। फिर अपने हाथों में गंगाजल, दुर्वा, बेलपत्र, एक सिक्का यानी दक्षिणा, सुपारी, अक्षत यानी चावल, हल्दी, कुमकुम रख के कांवड़ उठाने का संकल्प करें। दक्षिणा में कागज का नोट न बांधे, क्योंकि ये आपको जल के साथ शिव मंदिर में अर्पित करना होगा। कोई मंत्र न मालूम हो तो नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र या भगवान शिव का जो भी मंत्र पता हो बोल सकते हैं और अपनी मनोकामना बोले और बताए। मैं यहाँ से जल भर कर जहाँ भी शिव को जल अर्पित करने वाले हुए उस शिवालय का नाम बोले और प्रार्थना करने की महादेव उनकी इस यात्रा को सफल बनाए और उनका सहयोग करे। फिर हाथ में ली गई सामग्री को एक सफेद कपड़े या रूमाल में बांध कर जहाँ कांवड़ में जल बांधा जाता है वहाँ बांध दे। ये काम बहुत जरूरी होता है। फिर कांवड़ की 11 बार परिक्रमा करे। बहुत से लोग आरती या बोल बम के जयकारे लगाते हैं, वही कुछ लोग शिव स्त्रोत्र का पाठ करके कांवड़ के लोकगीत गाते हैं। इस प्रकार कांवड़ का पूजन अवश्य करे। फिर 5 बार कान पकड़ कर दंड लगाकर अपनी गलतियों की क्षमा याचना कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके सीधे हाथ से कांवड़ उठाकर कंधे पर रख हर हर महादेव बोल बम बोलते हुए आगे बढ़ना शुरू करे। कांवड़ हमेशा जोड़े से उठाई जाती है, यानी जो व्यक्ति कांवड़ उठा रहा है उसके साथ एक सहयोगी होना चाहिए, जिससे वो उसकी कांवड़ यात्रा के दौरान मल मूत्र या प्यास लगने पर कांवड़ पकड़ सके। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, कांवड़ जमीन पर रखने से खंडित हो जाती है, इसलिए एक साथी जरूर रखे। कांवड़ यात्रा के दौरान पवित्रता और शुचिता का सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान मल मूत्र त्याग से पहले कांवड़ को अपने साथी या अगर कोई साथ न हो तो स्टैंड या पेड़ पर लटकाने के बाद काफी दूर जहां से कांवड़ न दिखे वहां मल मूत्र त्याग किया जाता है। इसके बाद स्नान कर फिर से कांवड़ उठाया जाता है। जब दोबारा से कांवड़ रखते हैं दो बार दंड लगाते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हैं। फिर कांवड़ दोबारा से उठा के यात्रा शुरू की जाती है। पूरी यात्रा के दौरान नंगे पांव चलना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान चप्पल, जूते, सैंडल आदि पहनने की मनाही है, पर आप नंगे पैर चलने में सक्षम नहीं है तो नई चप्पल पहनकर यात्रा कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके हाथ में कांवड़ है तो आप किसी से बात न करें। कांवड़ यात्रा के दौरान हर समय बोल बम या हर हर महादेव का जयघोष करना जरूरी है। बहुत से लोग यात्रा दौरान शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी को भला बुरा कहना, गाली देना या झगड़ा करना बिल्कुल मना है। किसी का अपमान या अनादर करने से कांवड़ यात्रा का फल प्राप्त नहीं होता है। कांवड़ यात्रा के समय भूल से भी जल से भरे कलश या कांवड़ का स्पर्श खुद या किसी और के पांव से नहीं होना चाहिए। इससे जल अशुद्ध हो जाता है, जिसे भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान जमीन पर कपड़ा बिछाकर या किसी लकड़ी से बने तख्त पर लेटा जा सकता है। साथ ही कांवड़िए अपने साथियों को नाम से नहीं बुला सकते हैं, उनको भोले बम कहकर बुलाया जाता है। सुबह और शाम कांवड़ की विधिवत पूजा करनी अनिवार्य है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि भगवान शिव की पूजा करते हैं। फिर जब अगली सुबह यानी सोमवार को जब शिव मंदिर तक पहुंच जाए तो बहुत से लोग पुनः स्नान करते हैं, तो वही बहुत से लोग गंगा जल छिड़क कर मंदिर में प्रवेश करते हैं। अगर आप स्नान करना चाहते हैं अच्छी बात है, नहीं तो 11 बार कुल्ला करके 3 बार मुंह धोए, 5 बार हाथ, 7 बार पैर धोकर गंगा जल शरीर पर छींटा देकर मुंह में आचमन करें। हो सके तो जब तक शिव जी को जल अर्पित न कर दे तब तक भोजन या कुछ भी खाना नहीं चाहिए। शिव मंदिर में उस दिन काफी भीड़ भी होगी। जरूरी नहीं कि कांवड़ सुबह ही चढ़ जाए, इसलिए चाहे तो पानी पी सकते हैं। सबसे पहले मंदिर में प्रवेश होते ही शिखर यानी जहां मंदिर का कलश लगा होता है
उसे कांवड़ पकड़े हुए ही देखकर शिखर कलश को ओम नमः शिवाय बोलकर प्रणाम करे। उसे देखते हुए ओम नमः शिवाय बोलकर 5 बार दंड बैठक करके अपनी कांवड़ को भी प्रणाम करके किसी सुरक्षित स्थान में रखकर कांवड़ में जो जल था उसको लेकर और जो संकल्प बाधा था उसे खोलकर शिव मंदिर में जला अभिषेक के साथ अर्पित कर दे और अपनी कांवड़ यात्रा सफल होने की भगवान शिव से प्रार्थना करे। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई कोई भूल के लिए क्षमा मांगे। जल का एक कलश शिव जी पर तथा दूसरा कलश माँ पार्वती को अर्पित करे। ज्यादा भीड़ होने पर दोनों कलश शिव पार्वती का मन में नाम लेकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर ही अर्पित कर दे। उसके बाद वहां स्थापित अन्य देवी देवताओं का पूजन करे। पूजन करने को न मिले तो दूर से ही देवालयों को नमस्कार करे, क्योंकि सावन या महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन को आती है, तो मंदिर की व्यवस्था को भी ध्यान में रखकर पूजन करे। साथ ही जितने लोग साथ गए हैं उनमें किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर साथ लेकर जाए जो शिव जी की आरती कर सकता हो। फिर सभी लोग अपने समूह के साथ मंदिर को देखकर दूर से ही आरती करके कांवड़ यात्रा का समापन करें और कांवड़ में जो दान पुण्य की सामग्री लगी है उसमें से कुछ सामान एक दूसरे कांवड़ियों या मंदिर में दान करें, कुछ सामान अपने घर के लिए भी बचा ले, फिर वहां से थोड़ा प्रसाद अवश्य ले। सबसे पहले आपको वही प्रसाद खाना चाहिए जो आपको उस मंदिर से मिला हो, उसके बाद ही अन्य कुछ या भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आप कांवड़ यात्रा को पवित्रता और श्रद्धा पूर्ण तरीके से अर्पित करते हैं तो भोले भंडारी महादेव भी आपकी खाली झोली जरूर भर देंगे और आपके सब अपराध क्षमा करके अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जब तक घर तक न आ जाए तब तक गाली गलौज नशा बात विवाद से दूर रहे। घर आकर अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद पुनः ले। इस प्रकार आपकी कांवड़ यात्रा विधि पूर्वक पूरी हो जाएगी और आपको अपनी इस कठिन यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा। और इसके अलावा भी मैंने अन्य कांवड़ यात्रा से संबंधित वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कई ऐसे भक्तों की कथाओं को बताया है जिन्होंने कांवड़ यात्रा करके शिव की भक्ति को प्राप्त किया। वे कथाएं कांवड़ की महिमा और शिव भक्ति को दर्शाती है, तो आप उन वीडियो को भी जरूर सुने। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे साथ बने रहे, आपको आगे और भी धार्मिक जानकारियाँ प्राप्त होती रहा करेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी की वीडियो में, तब तक के लिए जय मां काली, हर हर महादेव।